Disco. कोरियन ड्रामा सीरीज यार, हम ऑडियंस के बीच इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि बता नहीं सकते कितनी है। और क्यों ना हो, इनकी स्टोरी, इनकी कॉन्सेप्ट के साथ इनकी डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात वो कोरिया की टच जो सीधा हमारी आंखों से होते हुए दिलो दिमाग में छप जाती है। एक कोरियन सीरीज ही है जिसके इमोशन को हम ऑडियंस दिलों की गहराइयों से कनेक्ट हो पाते हैं। तो आज के रिव्यू में हम लाए ऐसे ही टॉप 5 बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज। आप लोग हमेशा हमसे कमेंट में पूछते हो कि आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है, ब्रो प्लीज बताओ। ब्रो कोई एक नहीं है, वैसे तो सारा कोरियन सीरीज ही बेस्ट होता है। अगर इनमें से अपना बेस्ट सीरीज बताए तो मेरा सबसे पहला कोरियन सीरीज माई लव फ्रॉम द स्टार था। इस सीरीज के बारे में क्या बताया, जिसने हमें कोरियन सीरीज का डाई हार्ड सबसे बड़ा वाला फैन बना दिया। उसके बाद नेटफ्लिक्स की इट्स ओके टू नॉट बी ओके और द पेंट हाउस, इस सीरीज के बारे में जितना बताएं उतना कम होगा। मेरा सस्पेंस मिस्ट्री सीरीज देखने का एक्सपीरियंस को बदल कर रख दिया। अब तक ये 3 कोरियन सीरीज मेरे सबसे फेवरेट हैं, जो मेरे लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहेंगे। और आप अपनी फेवरेट ड्रामा सीरीज को कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी फेवरेट टॉप 20 ओनली बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज को देखा जाए। नंबर 5 की सीरीज, अगर आप मर्डर सस्पेंस मिस्ट्री देखना पसंद है और वो भी कोरिया की बियॉन्ड इमेजिनेशन के साथ, तो ये सीरीज आपके लिए। 2011 की कोरिया की सुपर हिट ड्रामा सीरीज क्राइम मिस्ट्री के साथ स्पेशल अफेयर टीम 10। जिस तरह से सीरीज का नाम है, सीरीज की कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह से है। अफेयर के बाद होने वाले मर्डर इन्वेस्टिगेशन की है, जो कोरिया अपने अंदाज में दिखाती है, जिसे देखने में हमें मजा भी बहुत आता है। करें नेगेटिव पॉइंट की, 2011 की है तो आज की एक्सपेक्टेशन लेकर मत देखिएगा। अगर आपको अफेयर और उनमें से होने वाले मर्डर इन्वेस्टिगेशन और वो भी कोरिया की अंदाज में देखना है तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच होगी। नंबर 4 की कोरियन सीरीज, आप सोचिए दूसरी दुनिया, दूसरी टाइमलाइन, इस हमारी रियल दुनिया की लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी ना। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है नंबर 4 की सीरीज, कोरिया की सुपर हिट सीरीज रोमांस ड्रामा के साथ क्वीन एंड आई। सीरीज की लव स्टोरी काफी कमाल की है। 300 सालों पहले जॉसन डेस्टिनी से 21st सेंचुरी की लव स्टोरी, ऐसी लव स्टोरी काफी कमाल की होती है जो सदियों से कनेक्टेड हो, उसे देखने में मजा बहुत आता है। और सच में सीरीज की इमोशन और लीड एक्टर की एक्टिंग और उनकी सिंप्लिसिटी आपको दिल को छू लेगी। ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ इस कोरियन सीरीज को एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। और खुशी की बात है, इसे फ्री में हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे आप देख सकते हैं, एक ट्राई देकर देखिए। नंबर 3 की कोरिया की सीरीज ने तो मिलिट्री ट्रेनिंग की सच्चाई रख डाली। हम सभी जानते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग इस दुनिया की सबसे कठिन और खतरनाक ट्रेनिंग में से एक है। उनके रूल, उनके डिसिप्लिन को झेलना सबकी बस की बात नहीं। ऐसे ही है नंबर 3 की सीरीज 2021 की, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया ड्रामा मिलिट्री के साथ डीपी। सीरीज की स्टोरी कोरिया की सख्त मिलिट्री डिसिप्लिन की वजह से मिलिट्री छोड़ भागने की बात की इन्वेस्टिगेशन की है। और सच में शुरुआत में होने वाले मिलिट्री में क्राइम ऑफिसर की ट्रेनिंग और उनकी डिसिप्लिन, सीनियर और जूनियर के बीच रैगिंग हमें इस तरह से दिखाती है कि भाई सच में इनके बीच सर्वाइव कर खड़ा रहना सबकी बस की बात नहीं। ये सीरीज देखने के बाद मिलिट्री पे गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। ऐसे सोल्जर को दिल से सैल्यूट है भाई। सीरीज नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। ऐसी सीरीज की सारी नेगेटिविटी निकाल कर एक बार एक्सपीरियंस करिए। नंबर 2 की कोरियन सीरीज के बारे में क्या बताया, जिसे 8.8 IMDb रेटिंग मिला है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए सीरीज किस लेवल की होगी। और सच में सीरीज 8.8 IMDb के लायक भी है। 2020 की सुपर हिट कोरियन सीरीज फैंटेसी ड्रामा के साथ मिस्टर क्वीन। ऐसी कॉन्सेप्ट कितनी कमाल की होती है ना। आप सोचिए आपकी आत्मा एकदम से किसी और की बॉडी में चला जाए, यानी मेल की आत्मा फीमेल में और फीमेल की आत्मा मेल में, तो वो सीरीज कितनी इंटरेस्टिंग होगी। ऊपर से वो कोरिया की इमेजिनेशन हो तो पूछिए मत, सीरीज देखने का मजा हाईएस्ट लेवल तक चला जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये नंबर 2 की कोरियन सीरीज। नो डाउट सीरीज देखिए, आपको एक पल के लिए भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बस एक ही प्रॉब्लम है, केवल 14 एपिसोड ही हिंदी में डब्ड है। अगर आप सीक्रेट गार्डन के फैन है तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट मस्ट वॉच होनी चाहिए। नंबर 1 की कोरियन सीरीज, यार इसने प्रूफ कर दिया कि कोरिया की इमेजिनेशन का कोई जवाब नहीं। जिस भी कैटेगरी में घुसते हैं वहां से मास्टरपीस कंटेंट बनाकर निकलते हैं। 2020 की कोरिया की सुपर डुपर हिट क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस के साथ द फ्लावर ऑफ एविल, ऐसी खतरनाक सीरीज को 2 लाइन में समझाना मेरे बस की बात नहीं। ऐसी सीरीज हर किसी के लिए नहीं, अगर आपको समझ में आ गया तो ये सीरीज आपको मास्टरपीस सीरीज वाली एक्सपीरियंस कराएगी। एक एक कैरेक्टर की एक्टिंग के बारे में क्या बताएं, लिटरली उनकी प्रॉब्लम, उनकी इमोशन आपको ये सीरीज फील कराएगी।
और सबसे बड़ी बात, ये सब सिचुएशन के बीच वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिल को छू लेगी। ऐसी मास्टरपीस सीरीज को एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। अगर आपको पसंद आ गया तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज हो सकता है। सीरीज नेटफ्लिक्स और हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है, एक ट्राई देकर देखिए। ऐसे ही खतरनाक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा भाई लोग, तो ये गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।